नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 27, 28 और 29 सितंबर के दिन तुला राशि वाले जातकों को विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होने वाली है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको विशेष बड़े सुनहरे अवसरों की प्राप्ति भी होने वाली है। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफें, समस्याएं, संकट और आर्थिक तंगियों से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको छुटकारा दिलवाने वाले हैं और अगले 3 दिनों में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जिनसे कि आपके हर काम बिना रुके पूर्ण होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं और किसी काम में जीवन साथी की सलाह भी आपके बहुत काम आने वाली है। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे, आपको बहुत ही जल्द बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और अचानक से आपके कुछ बड़े कार्य भी आपके सही समय पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ नए संपर्क बन सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपको शुभ समाचार के योग बन रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य भी प्रबल रहेगा और भाग्य के बलबूते आपको बहुत सारे काम पूरे हो सकते हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। प्यार और पैसे में आपको तरक्की मिल सकती है। रुका बधन भी आपका मिलेगा और आर्थिक हालातों में सुधार होंगे। प्यार मेलजोल आपसे जुड़ाव से इजाफा हो सकता है। आपको इस समय अपने व्यापार में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। आप अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं। आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। यात्राएं भी आपके लिए शुभ होंगी। आपका शुभ समय शुरू हो चुका है और धन लाभ का योग है। आपको सफलता मिल सकती है। बड़े लोगों के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगी। आप अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके दुख दर्द भी दूर होंगे। आपको विशेष रूप से महालक्ष्मी आप लोगों पर मेहरबान रहने वाली है, जिनके कारण आप लोगों को धन की प्राप्ति बहुत ही जल्द होंगी। खासतौर पर जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, उनको अपने व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप अपने धन का संचय करने में सफल होंगे। आपके धन में लगातार बढ़ोतरी होंगी। आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। कामकाज से जुड़े आपको कुछ बेहतर कार्य करने के मौके मिल सकते हैं। आपको लोगों का बेहतर सहयोग मिल सकता है। आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगी। आपके धन दौलत में वृद्धि होंगी। आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग ला सकते हैं। कार्यस्थल में भी बड़े अधिकारी आपसे खुश होंगे। विद्यार्थियों कमर में पढ़ाई में लगेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है और नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं। धन की तंगियां भी अचानक से खत्म होंगी। रिश्तों तथा संबंधों में भी मधुरता बन सकती है। व्यापार में आप कुछ बड़े सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। आपको विदेशों से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको विशेष बड़ी योजनाओं को बनाने के मौके मिलेंगे। ऑफिस कार्य क्षेत्र और नौकरी के क्षेत्र में आप अपने जीवन में दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। आपका समय काफी शुभ रहेगा। व्यापार भी अच्छा चलेगा और कार्यों में सफलता मिल सकती है। आकस्मिक लाभ की संभावना रहेंगी। आपको बहुत सारे कामों की वजह से आपको थकान भी महसूस हो सकता है। पारिवारिक वातावरण भी आपका अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में आपको खुशियों की प्राप्ति होंगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होंगे। बिजनेस से जुड़ी मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको मनोवांछित पद की प्राप्ति होंगी। आप अपने कामकाज में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों को तरक्की के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी होने से खुशखबरी मिल सकती है। साथ काम करने वाले लोग आपके पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं। आप लगातार प्रगति की ओर बढ़ेंगे। मानसिक तनाव भी आपका कम होंगे। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होंगे। घर परिवार और बच्चों के साथ आपका समय भी बेहतर तरीके से व्यतीत होने वाला है। आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आपकी किस्मत के दरवाजे भी जल्दी ही खुलने वाले हैं। आपको इस समय अफसोस या किसी भी प्रकार के कोई भी गिल्टी फील करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका व्यापार और बिजनेस भी बहुत ज्यादा आपको धन दे सकता है। अचानक से फायदे होंगे। दोस्तों के साथ आप घर पर किसी का मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन कर सकते हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे उस क्षेत्र में आपको सफल मिल सकता है। आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। उधार देवधर भी आपको भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से वापस मिल सकता है।
भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके प्रयासों में कार्यों में सफलता मिल सकती है। लाभ की स्थितियां भी काफी अच्छी खासी बने रहेंगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रख सकता है, आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। आपके सभी सपने आपके सभी हकीकत में बदलने वाला है। आप अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी को प्राप्त कर सकोगे और अपने जीवन में भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है और आपको अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखने की जरूरत रह सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ की स्थितियां रह सकती हैं, आपको अच्छे और व्यावसायिक योजनाओं को बनाने के मौके प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप काफी सफल होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी आपके विस्तार योजनाओं को बनाने के मौके मिलेंगे। पैसों के लेन देन से बचे, संपत्ति में निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रह सकता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से परिवार और उनके साथ खुशी के समय व्यतीत करने के मौके मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आपको बचे रहने की जरूरत रह सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत रह सकती है। आप काफी भाग्यशाली रहेंगे, आपके जीवन में आपको रोग दोष से मुक्ति मिल सकता है। आपके शुभ समय का शुरुआत हो चुका है, आपकी किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है। आपके भाग्य में बदलाव होने वाला है, जिनसे कि आप जल्दी ही मालामाल हो सकते हैं। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सबसे अधिक रहेंगे। आप अपने मन को लगाकर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा आपको अलग करने की आदत ही आपको सफलता दिलाएंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानियों का खात्मा होंगे। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। विदेश यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन की वृद्धि और खुशखबरी मिल सकती है। घर में होने वाली शुभ घटना भी आपके घर परिवार का माहौल खुशहाल बना सकता है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन का आनंद ले सकते हैं और किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात आपको लाभ दे सकता है। आपके कुछ समय से अटके हुए काम भी अब पूरे होने वाले हैं। आप बेरोजगारों के लिए रोजगार और शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपका आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और प्रेम जीवन में आप अपने जीवन साथी को समय दे सकते हैं, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास आ सकते हैं। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। आपके जीवन में आपको विशेष लगातार खुशियों को बढ़ोतरी करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आपकी किस्मत का साथ भी आपको प्राप्त होंगे। आपका किस्मत भी बदलने वाला है तथा आपको अपने जीवन में अधूरी मनोकामनाओं को पूरी करने के मौके प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन में नई मिसाल को स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आने वाला समय आपके लिए आनंददायक रह सकता है। आपको मनोरंजन के नए अवसर मिल सकते हैं। आप अपने सच्चे प्यार को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य हासिल होंगी। शनि महाराज की कृपा से आपके सभी कष्टों का निवारण होंगे। कार्यस्थल पर भी आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। काफी लंबे समय से चल रही शारीरिक परेशानियां भी दूर होंगी। नौकरी के क्षेत्र में आपके कुछ क्षेत्र बदलाव प्रयास कर सकते हैं। वेतन में वृद्धि की तरक्की हो सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगे। अचानक से आपके कुछ बड़ी समस्याओं का आसानी से हल मिल सकता है।